रात के बचे हुए चावल को आप फेंके नहीं, उससे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लंच, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। यहाँ एक कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे रॉ पीनट्स और इसको हम भुनेंगे 2 मिनट तक। अब 2 मिनट बाद आप इसमें डालें रोस्टेड चना दाल, उड़द दाल, राई और उसी के साथ एक ड्राइड रेड चिली। आप दालों को स्किप नहीं करें, ये बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगी। इसको हम भुनेंगे ताकि इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो आप देखें दाल अच्छे से भुन के तैयार है, आप इसे कच्चा नहीं छोड़ें वरना खाते वक्त ही आपके दांतों में चिपकेगी। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और उसी के साथ कुछ कड़ी पत्ता। इनको भी अब आप 1 मिनट तक भुनें। मैं कड़ी पत्ता हमेशा थोड़ा बाद में डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्रेश टेस्ट ज़्यादा पसंद है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, ये मैंने एक बड़ा लेमन लिया है, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें और 1 मिनट तक भुनें। तो आप देखें लेमन राइस का मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी बॉयल्ड राइस, ये मैंने रेगुलर राइस को बॉयल करके रेडी किया है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे नमक और अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने पहले ये लेमन राइस ट्राई नहीं किया तो आप इसे ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे आप ये भी बताएं आप कौन सी सिटी से ये रेसिपी देख रहे हैं, अपने नाम के साथ मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो चुका है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे हरा धनिया और इसको हम एक फाइनल मिक्स देंगे। तो 5 मिनट में आपके ये बहुत ही मज़ेदार लेमन राइस बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसी क्विक लंच और डिनर रेसिपीज़ मैं आपके लिए बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।